12 सालों से अपना जो श्वान है लेब्राडोर, इसका नाम था मेसी, उसको ये अपने पास में पाल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका स्वास्थ्य खराब था। तो उस स्वास्थ्य खराब होने के इस अंतराल में उन्होंने कई चिकित्सकों से संपर्क किया, उसका इलाज भी करवाया, लेकिन अंततः उसने आखिरी सांस ली अभी 3 या 4 दिन पहले। 9 जनवरी को उसने आखिरी सांस ली है। तो सानी साहब का जब मेरी बातचीत हुई, उनसे जब संपर्क हुआ, तो सानी साहब ने कहा कि मेरे डॉग का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो हमने उनसे एक निवेदन किया कि सर, यहाँ पे देशी श्वानों के लिए भी काफ़ी काम होता है, अगर आप चाहें तो आपके श्वान की याद के अंदर अगर कुछ सामान आप देशी श्वानों को देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो सानी साहब ने हमारा ये प्रपोजल तुरंत स्वीकार किया और आज वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो उनके श्वान के लिए जो उनकी यादों में सामान रखा हुआ था वो आज सामान लेके आए। तो मैं सानी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपको मतलब आपके श्वान से जो प्यार था वो आप कैसे वो देशी श्वानों में कन्वर्ट हुआ, ये जानना चाह रहा था मैं। मेरे जो श्वान से प्यार था कि हमने उसको बचपन से पाला, जब वो 15-20 दिन का था तब से हमारे पास था, और 12 साल की उम्र में जब उसकी डेथ हुई, उसको तकलीफ़ हुई, तो उसका जो भी सामान था मैंने मनीष भाई से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि एक एनजीओ के थ्रू आप देसी श्वान के हेल्प कर सकते हो, तो उसके लिए मैं इनको सामान देने आया हूँ। और उससे हमारा इतना कॉन्टैक्ट था, मतलब इतना प्यार था कि मेरी वाइफ ने उसके लिए 13 दिन तक जो उसको डेली जो खाना देते थे वो डेली खाना बन के दूसरे जानवर को दिया जा रहा है डेली, आज 13 दिन तक उसको दिया जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी हेल्प हो सके दूसरे डॉग्स के लिए, जानवर के लिए उतनी करनी। ये क्या है ये? अच्छा, मेरी बेटी अमेरिका में है, जब उसको पता चला कि मेरे मैसी की डेथ हो गई है तो उसने उसकी 2 बड़ी फोटोग्राफ बना के अपने बेड के साथ में लगा रखी है, जबकि मेरे बेटे ने भी 2 बड़ी फोटोज की बना के जो लास्ट स्टेज पे थी, एक बचपन की थी, तो वो अपने बेड के साथ लगा रखी है। उसको हमने अपने बच्चे की तरह पाला था, और वो सोता ही मेरे साथ बेड पे, हमारे साथ बेड पे ही सोता था, जमीन में नहीं सोता था कभी। तो बहुत अच्छा प्रयास सानी जी के द्वारा ये है। तो मैं सभी पेट केमिस्ट के जितने भी आने हुए लोग हैं, परिवार के लोग हैं और भी श्वान प्रेमी जो हैं, वो अगर अपने श्वान की कोई भी सामान देना चाहते हैं तो हम पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से फिर हम जो है देशी श्वानों के लिए जो एनजीओ जुड़े हुए हैं उनका कॉन्टैक्ट कराकर उनको ये जो बचा हुआ सामान जो है, जो भी यूज़ आ सकता है उनके लिए, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।